हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस बटन डिज़ाइन वाला स्लीव की कटिंग स्टिचिंग करेंगे जिसका चेस्ट मेजरमेंट 44 इंच है। तो चलिए इसकी कटिंग पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग को फोर फोल्ड करके रखना है। यह है ओपन साइड और यह है क्लोज साइड। और इसका हाइट मैंने 11 इंच लिया है। और इसका चौड़ाई आपका आर्म होल जितना है, यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेरे यहाँ 8 इंच था तो मैं टोटल यहाँ पर 11 इंच लिया है। अभी यहाँ से आर्म होल का डेप्थ मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। तो 44/12 दैट इज़ 3.6। तो यहाँ से 3.6 इंच पे यहाँ पे इसे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्लोथ साइड के तरफ से आर्म होल से थोड़ा ज़्यादा लेना है, यानी कि 8.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसके कॉर्नर के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे। अभी इस स्लैंटिंग लाइन का आधा लेंगे और इसके बाहर 1 इंच पे मार्क करेंगे और एक कर्व बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। और फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस लाइन का आधा लेना है और 0.25 इंच पे अंदर की तरफ ऐसे मार्क करके ऐसे शेप बना देंगे, जो कि ये फ्रंट साइड आर्म होल। नेक्स्ट यहाँ पे हाथ की गोलाई की मेजरमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपका हाथ की गोलाई के मेजरमेंट का आधा लेना है। मेरे यहाँ पे 13 इंच था तो मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया, तो टोटल 8 इंच पे मार्क किया। और यहाँ पे अभी इसके दोनों एंड पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे ऐसे, और इसको बैक आर्म होल के हिसाब से काट लेंगे। इसके एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पॉइंट के ऊपर कट मार्क दे देंगे और इसको खोल के इसके फ्रंट आर्म होल को काट लेंगे। तो इस तरह से हमारे हाथ की लाइनिंग की कटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस लाइनिंग को लेके मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। डिजाइनर स्लिप बनाने के लिए इसके क्लोज साइड से हमें हाफ इंच का ऐसे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अभी स्लीव के इस साइड से 2.5 इंच को छोड़ के बाकी को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व बना देंगे। अभी स्लीव के मिडिल वाला पॉइंट पे कट मार्क दे देंगे और इसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको ऐसे काट लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए इतना ही हमें कट करना है। स्लीव के मेन फैब्रिक को लेंगे और दोनों लाइनिंग में से एक लाइनिंग को लेंगे। तो मेन फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग को ऐसे रखना है। ऐसे ही दोनों पीस के ऊपर यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देना है। यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे स्टिच कर ली है। अभी इनमें से एक स्लीव को लेंगे और इसके मिडिल वाला पोर्शन को ऐसे काट लेंगे और इसका जो कर्व वाला पार्ट है यहाँ पे छोटे छोटे कर्व्स दे देंगे, यहाँ पे भी दे देंगे। और पिन सारे हटा के इसको टर्न कर लेंगे सीधी साइड की तरफ। इसको अच्छे से पलट के ऐसे रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। अभी हम इसके एजेस पे पाइपिंग को स्टिच करेंगे। तो इसको ऐसे पलट लेंगे और पाइपिंग को इसके ऊपर इसको स्टिच कर देंगे रॉन्ग साइड में। दोनों स्लीव में पाइपिंग को स्टिच करने के बाद इसके साइड को हम स्टिच कर लेंगे। और इसके साइड को स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा अनवांटेड कपड़ा है इसको हम काट लेंगे दोनों स्लीव में से। इसके बाद इसके ऊपर हम बटन को स्टिच करेंगे और डोरी को स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पे इस टाइप का डोरी को यूज़ किया है। आप चाहे तो कपड़ा से डोरी को बना के यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो डोरी को हमें बटन को बीच में रख के डोरी को स्टिच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले डोरी को स्टिच कर देंगे, एक के बाद एक को ऐसे रख के डोरी को स्टिच कर देंगे। और थोड़ा सा स्मूथ लगने के लिए इसके पीछे हम इस कपड़ा को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कपड़ा को स्टिच कर देना है और पूरा लास्ट में डोरी के बीच में बटन्स को ऐसे रख के हाथ से सिलाई कर देंगे।
ऐसे ही सारे बटन्स को हमें हाथ से सिलाई कर देना है। तो इस तरह से हमारे डिजाइनर स्लीव भी बनके रेडी हो गया है। याद रखिएगा, बटन्स को सामने की तरफ स्टिच करना है और डोरी को स्लीव के पीछे तरफ स्टिच करना है। इसके बाद इसको हम लेके ड्रेस के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इस डिज़ाइन वाला स्लीव को हमें स्टिच कर देना है। और नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।